हेलो एवरीवन. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर. ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी का ये चैप्टर हमारे पास है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्या दे रखा है हमें, विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन. इनमें से बताना कि कौन सा मेटाबोलाइट कॉमन है रेस्पिरेशन के लिए. मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, हमसे ये पूछा है. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होता है सी. क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ, और जो ये हमारे पास तीन है इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये तीनों क्यों नहीं है. तो देखो भाई, जो एसिटाइल COA, COA का मतलब होता है एसिटाइल को एंजाइम ए. ठीक है, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है. यहाँ पे आप इसको ही मैंने लिखा है, ठीक है, एक्सपेंड करके को एंजाइम ए. ये क्या होता है, कॉमन होता है रेस्पिरेशन में डिरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. देखो, जो फैट्स होते हैं वो किसमें ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, और फाइनली डिग्रेड हो जाएंगे किसमें, फाइनली डिग्रेड किसमें हो जाते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए में. ठीक है, इसमें हो जाएंगे. अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, प्रोटीन्स पहले यानी फर्स्ट डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजिस, पहले तो किसके द्वारा डिग्रेड होंगे, प्रोटीएजिस के द्वारा. ठीक है, टू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, प्रोटीएजिस की प्रेजेंस में प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो फिर वापस डीअमिनेटेड होंगे, वापिस डीअमिनेटेड होंगे किसमें, पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में, और फर्दर डीकार्बोक्सिलाइज हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में. ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या बताया. अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ किसके बारे में, एक बार इसको इरेज कर लेंगे पहले. हाँ, ये कौन सा था, फ्रक्टोस 1,6 बाय फॉस्फेट. अब यहां पे मैं आपको बता देती हूं, फ्रक्टोस 1,6 बाय फॉस्फेट. ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, जो फ्रक्टोस है हमारे पास, ये प्रीकर्सर होता है फॉर स्टार्च सिंथेसिस. ये स्टार्च की सिंथेसिस का प्रीकर्सर होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पाइरुविक एसिड की बात करूं, जो हमारे पास एक ऑप्शन है, ये क्या होता है, देखो ये सप्लाई करता है एनर्जी, सप्लाईज एनर्जी टू लिविंग सेल्स, किसके द्वारा, सिट्रिक एसिड साइकिल. यानी सिट्रिक एसिड साइकिल को आप क्या बोलते हो, क्रैब्स साइकिल भी हम बोलते हैं, क्रैब्स साइकिल. ठीक है, जब ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो. अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की, तो देखो ये अंडरगो करता है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, देखो किस चीज के लिए काम आता है, फॉर एनर्जी रिलीज. किस दौरान, सेल्युलर रेस्पिरेशन के दौरान. ठीक है, ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन. तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में अपना जो करेक्ट ऑप्शन था वो समझा दिया. ये तीनों भी जो है मैंने आपको काफी जो है थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में बता दिया कि ये किस में काम आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब, विच इज 3 बॉक्सेस इन द डायग्राम, इन दिस डायग्राम. 3 बॉक्स इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही है 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवेज. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है भाई, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. एरोज रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. जो एरो हैं, एरोज हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या, ये यहाँ पे 3 है, नेट रिएक्टेंट या फिर नेट प्रोडक्ट. एरोज नंबर 4 कौन सा है, कहा है, 4, 8, ये जो 8 है, 4, 8 एंड 12 कैन ऑल बी. तो यहाँ पे हमें बताना है एरो नंबर 4, 8 और 12 क्या हो सकते हैं. तो देखो भाई, गिवन डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हमें दे रखी है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये तो पाथवे ए जो होगी, पाथवे ए हमारे पास क्या है, ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या होगा भाई, ग्लाइकोलाइसिस. ये हो, ये है हमारा क्या, ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है,
पाथवे बी क्या है, क्रैब साइकिल। इसके बाद हमारी क्या चलती है, इसके बाद हमारी होती है क्रैब्स साइकिल। ये क्रैब साइकिल भी मैं आपको समझा दूंगी आगे, थोड़ा सा बता दूंगी। और जो पाथवे सी है वो है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये हमारी तीन साइकिल है। तो यहाँ पे देखो 10 जो 4, 8 और 12 होंगी वो क्या होंगे, ATP होंगे भाई। यहाँ पे ये ATP होंगे, ATP होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एक जो है, एक मिनट, ये क्या होंगी, ATP होंगे तीनों। और एक्ट और ATP एक्ट कैसे करता है, एनर्जी करेंसी के तौर पे एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP। तो जो एनर्जी है वो ट्रैप्ड होगी किसी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, और ब्रोकन डाउन, और कब ब्रोकन डाउन होगी, जब भी जहां पे भी उसको जरूरत होगी यूटिलाइजेशन की। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, ए ATP। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, ए ATP। अब देखो मैं आपको क्रैब साइकिल यहीं पे बता देती हूँ। इसी क्वेश्चन में स्पेस बना लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर आता है एसिटाइल को एंजाइम ई। ठीक है, ये हमारे पास है को एंजाइम ए, जो कि सिंपल COA में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ। उसके बाद ये क्या करेगा, सिट्रेट में भाई, ये कहां पे कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रेट। ये क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है सिट्रेट। ठीक है, जो किससे बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए से प्लस ऑक्सैलो एसिटेट से, किससे, ऑक्सैलो एसिटेट से। और ये जो हमारा पीछे क्या आया हमें, एसिटाइल को एंजाइम ए। उसके बाद भाई ये कन्वर्ट होता है किसमें, 5 जो है कार्बन मॉलिक्यूल, 5 मैं यहाँ पे ऐसे इसको बना रही हूँ, किस मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा, इस स्टेप में देखो, जो NAD पॉजिटिव है वो NADH प्लस CO2 में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि एक कार्बन लॉस्ट हो जाएगा एज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 कार्बन लॉस यहाँ पे होगा, लॉस्ट एज CO2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये किसमें कन्वर्ट होगा, फिर 4 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी सिमिलरली वही प्रोसेस, NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस CO2 में कन्वर्ट, यानी कि सेकेंड कार्बन लॉस यहाँ पे हो गया, अब सेकेंड कार्बन लॉस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो GDP होता है, ठीक है, वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब GTP क्या होता है, ये भी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल ही होता है, जो कि ATP के इक्विवेलेंट होता है GTP भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में, इस स्टेप में FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे FADH2 मतलब कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ये सिमिलर होता है NADH के। FADH2 क्या है, NADH के सिमिलर होता है, लेकिन ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पे ऐसे जाएगा ये अगेन NAD पॉजिटिव जो है NADH में कन्वर्ट हो जाएगा इस स्टेप पे। ये जो है 4 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सैलो एसिटेट जो यहाँ पे हमारे पास आया था कि ये सिट्रेट किससे बना, ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोलाइन से। ठीक है, इससे बना तो को एंजाइम ए से, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन का एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ऑक्सैलो एसिटेट क्या होता है, 4 कार्बन का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, जो कि रीजनरेट होता है हर साइकिल में, रीजनरेट होता रहता है। तो इस टाइप की हमारी ये होती है क्रैब्स साइकिल। ठीक है, क्या होती है ये, क्रैब्स साइकिल। अब मैं इसको रिलीज कर देती हूँ। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है भाई, जो हमारा बुक्स 1 में था, देखो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके द्वारा बाय विच जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट एनर्जी किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ATP
एटीपी के फॉर्म में ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, जब हम किसका कन्वर्जन करते हैं, ग्लूकोज का पाइरूवेट और लैक्टेट में। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन और प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि एग्जांपल आयन के ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है, और रिएक्शंस जो होते हो या जो कैटालाइज होते हैं किसके द्वारा, काइनेजेस एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, ग्लाइकोलाइसिस का। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या दे रखा है हमें कि जो बैक्टीरियम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम दैट कॉजेस बोटुलिज्म इज, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है वो, करेक्ट ऑप्शन इसका है भाई ओब्लिगेट एनारोब। देखो जो मतलब क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम होता है वो एक ओब्लिगेट एनारोब होता है। ओब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या होता है, नॉर्मली किस पे रहेगा, नॉर्मली लिव्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रहता है। फैकुलेटिव एनारोब्स जो होते हैं, अब मैं अगर इसकी बात करूँ, फैकुलेटिव एनारोब क्या होते हैं, ये वो एनारोब्स होते हैं जो जनरली वहाँ पे ऑक्सीजन में रहते हैं, लेकिन मतलब ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं अगर मीडियम सुटेबल हो तो, ठीक है। ओब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं। और फैकुलेटिव एनारोब क्या होते हैं, मतलब एरोब आएगा यहाँ पे, ये एरोब तो हाँ, फैकुलेटिव जो एरोब्स हैं ये एनारोब का बताया था मैंने, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं लेकिन समटाइम्स सुटेबल हो तो उसमें भी रह सकते हैं, किसमें, बिना ऑक्सीजन के भी। और फैकुलेटेड एरोब जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। और सिंपल यहाँ से आपको याद रखना है, एरोब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, एनारोब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के एब्सेंस होना, सिंपल। तो जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट है वो हमारा फर्स्ट है। और बोटुलिज्म क्या होता है, ये जो हमें दे रखा, देखो ये एक रेयर और पोटेंशियली फैटल इलनेस होती है, फैटल होता है मतलब जो खतरनाक थोड़ी सी होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी वैसी होती है, जो किसके, कौन से टॉक्सिन के द्वारा होती है, अब रुको मैं आपको इस पेन से यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो ये क्या होती है, रेयर और पोटेंशियली फैटल इलनेस होती है, जो कि एक टॉक्सिन के द्वारा होती है, जो ये टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है। ये डिसीज किससे शुरू होती है भाई, इसके सिम्टम्स जो होते हैं प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं वीकनेस होना, ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधलापन, ठीक है, आपके सामने धुंधला धुंधला दिखना, और थकान महसूस होते रहना हर टाइम यानी कि फीलिंग टायर्ड, ठीक है, और ट्रबल स्पीकिंग और बोलने में तकलीफ होना, ट्रबल स्पीकिंग, ठीक है, बोलने में मतलब दिक्कत होना, तो ये होता है बोटुलिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो नेट गेन है किसका, एटीपी मॉलिक्यूल्स का, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो कितना है, नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तो इसमें क्या आंसर आएगा भाई, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, जिनमें से कि ऑफ दीज, इनमें से दो एटीपी जो है वो यूज होते हैं लिंक रिएक्शन में, हैंस जो नेट गेन होगा, नेट गेन यानी देखो 38 प्रोड्यूस करते हैं लेकिन 38 में से दो एटीपी लिंक रिएक्शन में यूज करे जाते हैं, तो जो इसके पास बचते हैं इंडिविजुअली वो कितने होते हैं, 36 एटीपी, यानी कि नेट गेन हमारे पास क्या आएगा, 36 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, इन जो साइट होती है रेस्पिरेशन की बैक्टीरिया में वो कौन सी होती है, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा मीजोजोम। देखो मीजोजोम क्या होते हैं, इनवेजिनेशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि मतलब छोटे छोटे वेसिकल्स में फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ पे फाउंड होते हैं ये, मतलब बोथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी, ठीक है, दोनों में होते हैं। और देखो मीजोजोम्स के बारे में अगर मैं और बताऊं आपको, तो मीजोजोम्स जो है एक रोल प्ले करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में भी, किसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान, या फिर क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन में भी काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो होता है रेस्पिरेशन के वहां पर भी, तो मीजोजोम्स के काफी सारे फंक्शंस हैं। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया में होती है वो होती है मीजोजोम। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पे पूछा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी लिबरेट होती है यानी निकलती है, रिलीज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई फैट्स। देखो जो फैट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज रेस्पिरेटरी सबस्टेट,
रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्टेट के तौर पे यूज किए जाते हैं बाय अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं, ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, फैट्स के पास, तो लिबरेट भी कौन करेंगे फैट्स, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया, ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्टेट यील्डिंग, जो यील्ड करे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, वो रेस्पिरेटरी सबस्टेट जो कि यील्ड करे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज, वो कौन सा है, तो वही करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा ग्लूकोज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमाइलोज और ग्लाइकोजन होते हैं ये दोनों जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है। और डीअमाइनेशन जो होता है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड का, डीअमाइनेशन ऑफ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड आकर वहां पे डीअमाइनेशन होता है, दीज एंटर रेस्पिरेटरी कैटाबॉलिज्म एज इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट के तौर पे वहां पे काम करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि अमाइलोज और ग्लाइकोजन भी किसमें कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास है ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की एट्थ, तो देखो अगर लाइफ विदाउट एयर इज कॉल्ड, बिना एयर के जो लाइट जो लाइफ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक, ऑब्वियसली बिना लाइफ विदाउट एयर, एयर नहीं है तो यानी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है, एनारोबिक, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है यूज नहीं होता ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट के लिए। नेक्स्ट है नाइन्थ, एंड प्रोडक्ट जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के आर, एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के कौन से होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका हमारे पास होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके एंड प्रोडक्ट ये तीन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होती है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल का मतलब है कि एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ स्टेप वाइज कैटाबोलिक प्रोसेस, मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक काफी स्टेप वाइज कैटाबोलिक प्रोसेस में होती है, ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, एक्टिंग एज द टर्मिनल ऑक्सीडेंट, किसके जैसे एक्ट करते हैं, एज टर्मिनल ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे टेंथ क्वेश्चन की, जो कन्वर्जन है ग्लूकोज का टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, जो पहली इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होती है ये कौन सी, ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ये कैटलाइज किसके द्वारा कैटलाइज होती है, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे आपसे पूछा था कि कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बेसिकली, ठीक है, एंजाइम का नाम पूछा था, तो एंजाइम हमारे पास आएगा कौन सा, हेक्सोकाइनेज। देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक एनारोबिक एंजाइम कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का लैक्टेट या फिर पाइरुवेट में, जो रिजल्ट करता है किसकी एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एटीपी में, मतलब रिजल्टिंग इन एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एज अकर्स इन, जैसे कि मसल्स में होता है। तो दो इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो कौन से वो मैं आपको यहां पे लिख के बता देती हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे और यहां पे मैं आपको लिख देती हूं चीजें। देखो जो दो इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कौन से होते हैं, देखो पहला होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ठीक है, ये होता है जो कैटलाइज होता है कौन से एंजाइम के द्वारा, हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट स्टेप होता है ये, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिवेशन फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कौन सा पॉइंट होगा, कन्वर्जन किसका, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट का टू फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ठीक है, इसमें जो किस कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड होता है, फोस्फो फ्रक्टो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये दो स्टेप होते हैं इरिवर्सिबल स्टेप किसके, ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब अपने,
इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, जो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से कौन सी होगी। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है टेक्स प्लेस इन आउटर माइट। आउटर नहीं होता भाई, ये इनर आएगा, इसी वजह से गलत है। जो ऑक्सीडेटिव, ये याद रखना आपको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होगा हमेशा जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनकरेक्ट। बाकी ये ठीक है, जो एंजाइम होते हैं टीसीए साइकिल के वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नेक्स्ट फोस्फोइनोल पाइरुवेट यानी पीईपी इज द प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर। इन प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर ये किसमें होता है, तो भैया सी फोर प्लांट्स में होता है। देखो जो मीजोफाइल सेल्स होते हैं, रुको, जो मीजोफाइल सेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सी फोर, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है सी फोर प्लांट्स का, जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हो भाई आप इसका सी फोर प्लांट्स में, जैसे कि आगे शुगर केन, ठीक है, मेज, सोरगम एटसेट्रा, ये सब है। ठीक है, तो पीईपी क्या होता है, तीन कार्बन कंपाउंड होता है जो कि एज अ प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर वहां पर सर्व करता है। थ्री कार्बन मोलिक्यूल होता है ये, ठीक है, सी फोर प्लांट्स में जो है एज अ प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर काम करता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सीओ टू इज नॉट रिलीज, मतलब कौन से इनमें से प्रोसेस में सीओ टू जो है कभी रिलीज नहीं होती। तो भाई थर्टींथ का जो आएगा डी आएगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड की जो फर्मेंटेशन होती है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होती है, यानी कि लैक्टोबैसिलस में और मसल्स में, जो कि ह्यूमंस की मसल्स होती हैं। तो पाइरुविक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो रिड्यूस हो जाएगा एनएडीएच टू में, क्या बनाने के लिए, फर्दर लैक्टिक एसिड बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा इसको लिख के बता देती हूँ, तो हो सकता है आपको तब थोड़ा सा समझ आए, अभी नहीं आया हो तो। देखो मैंने ये बोला है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है अकर्स इन, वो किसमें होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, जिसका क्या नाम होता है आपने बहुत बार सुना होगा, लैक्टो बैसिलस। ठीक है, और मसल्स जो होती है ह्यूमंस की, आप जो वर्कआउट करते हो, ठीक है, मसल्स का वर्कआउट करते हो कभी भी, या फिर मतलब जो भी स्ट्रेनियस थोड़ी एक्टिविटी करते हो, तो उसके बाद आपको लगता है कि भाई आपने मान लो आपने 50 पुशअप्स लगा लिए, 50 पुशअप्स के बाद आपकी कैपेसिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, मतलब कि आप हार्डली एक दो वहां पे पुशअप मार सकते हो, और आपको लगता है बिल्कुल आपके हाथ पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं रहती। ठीक है, पैरों का आप वर्कआउट करते हो तो आप जब खड़े होते हो तो आपको लगता है कि भाई मतलब पेन होता है बेसिकली, एक मतलब उसके कुछ घंटों के बाद आपको पेन भी फील होता है। तो क्यों होता है, वहां पे लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है, और आपको मैं बता दूं जो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो वहां पे एक्युमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, वो हमेशा ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। किसके अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो आप इसको अपने जो वर्कआउट वाला अगर कोई करते हो तो आप उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हो कि क्या कहां तक थी मैं, मसल्स ह्यूमन में, और जो पाइरुविक एसिड जो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान वो रिड्यूस हो जाता है किसके द्वारा, एनएडीएच2 के द्वारा, जो कि क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के, मतलब बिना CO2 की प्रोडक्शन के वहां पे बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसी 14th क्वेश्चन की, जो एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें कि सब्सट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, उसको क्या बोलेंगे। मैंने क्या बोला, एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि जो सब्सट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, फर्मेंटेशन। देखो जितनी जो भी एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा जिसमें सब्सट्रेट जो है ऑक्सीडाइज होगा बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होते, तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी आप जानते हो। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे जो है वो अप्रोप्रिएटली टर्म्ड है किस नाम से, मतलब क्या बोला जाता है उसको इन जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई एम्फीबोलिक, एम्फीबोलिक बोला जाता है। जितने भी एनर्जी रिलीजिंग पाथवे होते हैं
चाहे वो एरोबिक हो, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एनारोबिक हो यानी कि नॉट रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, वो एक पाथवे से शुरू होते हैं जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, यानी साइटोप्लाज्म का नाम यहाँ पे साइटोसोल। तो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे जो है दस अप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज एम्फीबोलिक, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है सबसे पहले तो वो मेन एनर्जी रिलीजिंग पाथवे होता है जो कि एटीपी की फॉर्मेशन को लीड करता है। ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और 36 एटीपी को यील्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज काफी दे दी है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि सब्सट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, आप भी हमने ये क्वेश्चन किया था, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस की बात करनी जा रही है भाई, ठीक है, प्रोसेस की बात करी जिसमें कि सब्सट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाए बिना किसी, ठीक है, यहाँ पे देखो मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सब्सट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमें दे रखा था मेटाबॉलिक प्रोसेस, या इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया था, फर्मेंटेशन। यहाँ पे हमें सिंपली क्या दे रखा है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, सिर्फ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, वहां पे एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, वहां पे पूछा था हमसे मेटाबॉलिक प्रोसेस। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई वहां पे क्या था यहाँ पे क्या है, तो ध्यान देना इस बात के ऊपर कि वहां पे आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस पूछा था, इस वजह से हमने क्या लिखा था, फर्मेंटेशन। यहाँ पे पूछा है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, अब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ये नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, यहाँ पे एनर्जी रिलीजिंग पूछा गया है और वहां पे पूछा गया था मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया साथ के साथ। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल, कितनी एटीपी मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमली जनरेट होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल जो है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल वहां पे प्रोड्यूस होंगे अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक मोल ऑफ ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मतलब ऑक्सीडेशन हो जाए, जो कि यील्ड करे 686 किलो कैलोरी एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी जो कि अवेलेबल है इन हाई एनर्जी फॉस्फेट में, फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मोल ऑफ एटीपी इज कितना, 12। तो यहाँ पे हमें बताना है हाउ मेनी एटीपीज, ठीक है, कितनी एटीपी। तो देखो देखो भाई, जो 12 एनर्जी है प्रेजेंट है वन मोल ऑफ प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड ऑक्सीडेशन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O रिलीज इज इतना, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपको वही चीजें लिखी हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एटीपी जो कि विच कैन स्टोर दिस एनर्जी वुड बी, तो कितना होगा 57.1, यानी कि आप लिख सकते हो 57 ATPs, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 57 ATPs इसका करेक्ट आंसर। और ये 57 ATPs कैसे आया, अगर आप ये सोच रहे हो तो 12 को 686 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 5 जा कितना होता है 60, यानी 8 बच गया, और 12 7 जा कितना होता है 84, यानी कि दो, यहाँ पे अप्रोक्स 57.1 आ रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स इतना 57 ATPs। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, 57 ATPs, यानी ये रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा रिमूव करे जाते हैं, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी NAD पॉजिटिव। अब मैं इसको स्पेस लेकर आपको समझाऊंगी लिखकर यहाँ पे, देखो ग्लाइकोलाइसिस में अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव्ड होते हैं बाय NAD पॉजिटिव, जब भी देखो जब भी 3-फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड भाई स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, देख लेना मैं जल्दी में लिख रही हूं, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करें 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड में,
ध्यान देना मैंने क्या बोला, किसको किसमें कन्वर्ट करने की कंडीशन दिया मैंने, उसमें कन्वर्ट करे तो इस दौरान दो इलेक्ट्रॉन जो हैं और दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन रिलीज होते हैं, रिलीज्ड जो कि यूटिलाइज होते हैं टू कन्वर्ट, जो इन दोनों का यूटिलाइजेशन कब कहां होता है टू कन्वर्ट एन ए डी पॉजिटिव टू एन ए डी एच, ठीक है। और एक जो ये हाइड्रोजन एच प्लस आयन है एन ए डी पॉजिटिव प्लस टू एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा ये किसमें कन्वर्ट करेगा एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव में। तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी होती है हर एक सेल की। तो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो मोलिकुलर ऑक्सीजन जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 18 का सी एन ए डी पॉजिटिव, ठीक है, समझ आया होगा आपको। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, करेक्ट बताना है इसके कंटेक्स्ट में। तो बीस का करेक्ट ऑप्शन है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ट्रायोस फॉस्फेट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनर मतलब जो डोनेट कर दे। कौन सा ट्रायोस फॉस्फेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि एसिटाइल्डिहाइड जो होता है मेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है। देखो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको इसके बारे में बता देती हूँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान जो पाइरुविक एसिड होता है वो किससे बना होता है, ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अपना एक कार्बन लूज करता है किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, क्या बनाने के लिए, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, जो कि रिड्यूस हो जाता है इथाइल अल्कोहल में NADH के द्वारा। जब एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होगा इथाइल अल्कोहल में तो वहां पे NADH क्या बन जाएगा, NAD पॉजिटिव, यानी कि वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, जो कि कॉमनली किसमें होती है, ईस्ट वगैरह में, ठीक है, ईस्ट वगैरह में होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे किसके द्वारा, एरोबिक ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल के एरोबिक ऑक्सीडेशन के द्वारा, किसके मॉलिक्यूल के, ग्लूकोज के, सॉरी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा भाई 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के द्वारा। नेक्स्ट है 21st, मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी, जो मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी पर मोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग, जो मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो यूजेबल एनर्जी पर मोल ग्लूकोज की मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होती है, जो कि विल बी जनरेट, वो किसके दौरान जनरेट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई हमारे पास है ए, एरोबिक रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड। अब मेरी बात समझो, जो एनर्जी यील्ड होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा मैंने आपको बताया था कितनी एटीपी, यानी 36 एटीपी, ठीक है, वो क्या होती है, इज 18 टाइम्स ऑफ दैट, वो 18 टाइम्स होती है किसकी, ऑफ दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्या होते हैं सिर्फ 2 एटीपी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये अपनी एरोबिक है, जो एनर्जी यील्ड होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, वो 18 गुना ज्यादा होती है एनारोबिक से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा भाई एरोबिक रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड, एरोबिक के दौरान ही मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी पर मोल क्या है, प्रोड्यूस हो सकती है, जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की, क्या दे रखा है भाई, एंजाइम जो है एंजाइम्स हेक्सोकाइनेस जो कैटेलाइज करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, मैंने पीछे बताया था आपको ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो वो इनहिबिट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के द्वारा, इनहिबिट मतलब वहां पे बंद हो जाना, ठीक है, उसमें रोक लग जाना। दिस इज एन एग्जांपल, तो ये किसका एग्जांपल है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका होगा फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब मेरी बात समझो कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, मैं आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बता देती हूँ सबसे पहले, ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है किसका, एंजाइम की एक्टिविटी का, किसके प्रेजेंस के कारण, जो सबस्ट्रेट एनालॉग होते हैं उसके प्रेजेंस के कारण। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ये रिडक्शन होता है एंजाइम की एक्टिविटी का, ये तो भाई इनहिबिशन हो जाना, ये क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन किसका, एंजाइम एक्टिविटी का, किस कौन से फैक्टर के द्वारा, दैट हैज नो रियल स्ट्रक्चर, जिसका कोई भी रियल स्ट्रक्चर जो है सिमिलर नहीं होता सबस्ट्रेट के,
कॉम्पिटिटिव वाले में हमारे पास सब्सट्रेट एनालॉग्स यानी कि कुछ सब्सट्रेट की क्या सिमिलैरिटी थी, मतलब एक जैसे थे, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हेयरिन जो इनहिबिटर होता है वो किसके प्रोडक्ट होते हैं या फिर इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन के, जो कि कैटेलाइज होते हैं किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। तो हैंस हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी बोल सकते हैं या फिर फीडबैक इनहिबिशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मतलब एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है जो फर्मेंटेशन है वो एनारोबिक प्रोडक्शन है ऑफ, फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ, किसकी एनारोबिक प्रोडक्शन है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका है अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, सिमिलर कंपाउंड। मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्मेंटेशन वगैरह ये मेजरली ईस्ट में होती है। अब भाई ईस्ट का यूज किया जाता है ये अपनी जो है अल्कोहल वगैरह में भी, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ऐसे में। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी होगा। एनारोबिक प्रोडक्शन होती है, इन सब की एनारोबिक प्रोडक्शन होती है, अल्कोहल की, लैक्टिक एसिड की और सिमिलर कंपाउंड की। ठीक है, फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है अल्कोहल की फॉर्मेशन में भी, प्रोडक्शन में भी, सॉरी। तो फर्मेंटेशन को हम कैसे रेफर करते हैं, डीकम्पोजिशन होना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक्चुअली मैं फर्मेंटेशन को लोग कैसे कंसीडर करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी डीकम्पोजिशन, उनका सड़ना, एनारोबिकली यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में, बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स के द्वारा जो यील्ड करते हैं अल्कोहल को, ऑर्गेनिक एसिड को और गैसेस को, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आया है, बी। नेक्स्ट मूव करेंगे फर्मेंटेशन जो है प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट। हमें बताना है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं किसके, ईस्ट के, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ईस्ट के कौन से होते हैं वो बताना है। तो यानी कि एंड प्रोडक्ट कुछ ऐसे मतलब जनरली हमसे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डी, इथाइल अल्कोहल प्लस सीओ टू, ये होते हैं इसके एंड प्रोडक्ट जो फाइनली मिलते हैं। तो देखो जो एंड प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन के वो होगा इथाइल अल्कोहल, सीओ टू, लैक्टिक एसिड, यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, अभी हम पीछे करके आए थे क्वेश्चन में, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल है, सीओ टू, यानी सेम था इसी से, ठीक है, सेम क्वेश्चन था। एनिमल सेल्स में अगर मैं बात करूँ तो जो पहली स्टेज होगी किसकी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन की, वो कौन सी होती है। एनिमल सेल्स में जो फर्स्ट स्टेज होगी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वो कौन सी होगी, तो भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी कि अंडरस्टूड है भाई, ग्लाइकोलाइसिस आंसर आएगा इसका। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, जिस जो कि होता है बिना रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कॉमन होता है एरोबिक के लिए और एनारोबिक मोड्स के लिए ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। तो यानी कि ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसमें। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, मतलब 38 एटीपी मॉलिक्यूल में से जो प्रोड्यूस हुए पर ग्लूकोज जो कि प्रोड्यूस हुए, 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्मड फ्रॉम NADH FADH2 इन। देखो हमसे क्या पूछा गया है कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल में से जो कि पर ग्लूकोज प्रोड्यूस हुए हैं, 32 एटीपी मॉलिक्यूल किससे फॉर्म हुए, NADH और FADH2 से इन, किस में होता है ऐसा, कि जो मैंने ऊपर हमें क्वेश्चन में दे रखा ये सारी चीजें इनमें से कौन से में होती हैं। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रेस्पिरेटरी चैन में। कंप्लीट डिग्रेडेशन जो होता है मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, वो 38 एटीपी को यील्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए इट चेंजेस, वो क्या चेंज करता है। देखो जब व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए इट चेंजेस, वो किसको चेंज करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई बी। देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है ग्लूकोज का वो प्रोड्यूस करता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में, और जो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लो NADH2 के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं। इनकी करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका भी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल इनटू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब 36 एटीपी मॉलिक्यूल में से प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग, मतलब कि आउट ऑफ 36 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो इनमें से कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन भाई बी है इसका,
देखो, दो एटीपी जो है प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोप्लाज्म में, 36 प्रोड्यूस होते हैं क्रैब साइकिल के दौरान ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में, ठीक है, एटसेट्रा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, बी, दो तो प्रोड्यूस होंगे आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होते हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि क्रैब साइकिल के दौरान, ठीक है। तो ये याद रखना है क्वेश्चन अपना, बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं 29th क्वेश्चन की, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो कौन सा होगा, यहाँ पे हमसे सिंपली एंड प्रोडक्ट पूछा है इसका क्या होगा, तो एंड प्रोडक्ट भाई होगा पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरुविक एसिड, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको ये लिख के बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो एंड प्रोडक्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस के वो पाइरुविक एसिड होता है, जो कि एक 3-कार्बन कंपाउंड होता है, ये 3-कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ईएमपी कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ, ईएमपी प्रोड्यूस करता है अ टोटल ऑफ, मतलब कितने एटीपी ईएमपी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं टोटल, वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जो नेट गेन होता है एनर्जी का वो किसके इक्वल होता है, 8 एटीपी के इक्वल इन ईएमपी पाथवे, ठीक है, इसमें 8। पर ईएमपी पाथवे क्या होता है भाई, ये ग्लाइकोलाइसिस में ही होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ही होता है ये भी, ठीक है। एक 10 स्टेप जो है ये रिएक्शन होती है, जिसमें कि ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को पाइरुवेट में, ठीक है, ईएमपी वही चीज होती है, तो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट मेरे पास क्या है क्वेश्चन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट बोला यहाँ पे, इनकम्प्लीट, कम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, इनकम्प्लीट, आधा अधूरा ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में सेवरल इंटरमीडिएट, मतलब बहुत सारे बीच में स्टेप होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स, इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ठीक है, ग्लूकोज इंटू पाइरुविक एसिड, वो ग्लाइकोलाइसिस का ईएमपी का जो होता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे 10 स्टेप रिएक्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं वहाँ पे, सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप, और करेक्ट ऑप्शन क्या उसका, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एनएडीपी पॉजिटिव इज रिड्यूस टू एनएडीपीएच इन, कौन से इनमें से साइकिल में जो एनएडी पॉजिटिव है वो रिड्यूस होता है एनएडीपीएच में, ठीक है, वो बताना है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा हमारे पास एचएमपी। देखो, कंप्लीट डिग्रेडेशन जो है एक मॉलिक्यूल का, किसके मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, वो 12 मॉलिक्यूल्स बनाता है एनएडीपीएच2 के बाय एचएमपी, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैं इसको लिख देती हूं, तो यहाँ पे जो कंप्लीट डिग्रेडेशन है मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है 12 मॉलिक्यूल्स, किसके, NADPH2 के, ठीक है, किसके द्वारा, बाय HMP। अब मैं आपको बताती हूँ कि HMP क्या होता है। देखो, इसको है ना हम शंट भी बोलते हैं, मतलब एचएमपी पाथवे को हम एचएमपी शंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये पाथवे है, इस पाथवे को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव पेंटोज पाथवे भी बोल सकते हैं, हेक्सोस मोनोफोस्फेट शंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, ये इन्वॉल्व करता है कुछ रिएक्शन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की, और देयरफॉर ये किसके द्वारा, मतलब जैसा देखा जाता है जो शंट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ये एग्जिस्ट करता है। अब देखो, जो एचएमपी शंट है वो एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है, क्या होता है ये, एक यहां पे लिख देती हूं, अल्टरनेटिव पाथवे होता है किसका, टू ग्लाइकोलाइसिस, जो कि किस, मतलब किस काम में आता है, टू प्रोड्यूस राइबोस 5-फोस्फेट, राइबोस 5-फोस्फेट या फिर निकोटाइनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, यानी कि NADPH, ठीक है। ये पाथवे जो है ऑक्सीडेटिव फेज में भी हो सकता है, नॉन ऑक्सीडेटिव में भी, ईच कंप्राइज करता है सीरीज ऑफ रिएक्शन। NADPH की आपको फुल फॉर्म अभी पता चली होगी क्या है, निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, यानी कि NADPH। तो ये होता है HMP का, मैंने आपको ब्रीफ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
यहाँ पे मैं आपको केल्विन साइकिल और समझा देती हूँ स्पेस बनाकर, ठीक है। ऑलरेडी हम क्रैब वगैरह काफी सारी साइकिल हम समझ चुके हैं, एक बार ये केल्विन साइकिल और देख लो। देखो, तीन मॉलिक्यूल जो होते हैं किसके, थ्री मॉलिक्यूल CO2 से, और यहाँ पे क्या आएगा, रूबिस्को। इससे क्या बनता है, स्टेप 1 यहाँ पे हमारे पास आता है किस चीज का, कार्बन, कार्बन फिक्सेशन का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 6 ATP जो है, 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट होते हैं। स्टेज 2 आती है वही रिडक्शन की, ये होती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 2, स्टेज 1 थी कार्बन फिक्सेशन वाली, ये स्टेज 2 है रिडक्शन वाली। इसमें क्या होता है, 6 NADP, वहां पे ATP की बात थी, NADPH जो है कि इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 6 NADP पॉजिटिव प्लस एच पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडाइज हो गए, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुए। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, यहाँ से इस प्रोसेस में जो है शुगर निकलती है, ठीक है, शुगर प्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पे। स्टेज 3 क्या होता है, रीजनरेशन होना किसका, रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। यानी कि ये ऐसे यहाँ पे रूबिस्को, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो 3 ATP से 3 ADP बनते हैं, ठीक है, ये होता है इस प्रोसेस में। और रूबिस्को की क्या फुल फॉर्म होती है, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीनेज, कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीलेज, ठीक है, ऑक्सीजिनेज ये हो सकता है, ठीक है, ये होती है हमारे पास। और रूबिस्को क्या है, एक मेजर एंजाइम होता है, एसिमिलेटेड CO2 इनटू द बायोस्फेयर, जो कि एसिमिलेट करता है CO2 को बायोस्फेयर में, ठीक है। और कुछ बताना है इसमें, ये हमारी थी केल्विन साइकिल। और इसका जो एक्टिव साइट होती है रूबिस्को की, देखो इसके दो ड्यूअल एंजाइम पता है क्या है, देखो रूबिस्को, एक तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है अर्थ पे वो कौन सा है, तो आपको समझ जाना है कि वो रूबिस्को है। कैटेगराइज होता है किसके द्वारा, बाय द फैक्ट की जो इसकी एक्टिव साइट है वो बाइंड कर सकती है CO2 को भी, ऑक्सीजन को भी, मैंने यहाँ पे लिखवा है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, यानी ठीक है दोनों को कर सकती है। तो इसके पास एक ग्रेट एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, और जो इसकी बाइंडिंग है वो कॉम्पिटिटिव होती है, ठीक है। तो जो शिफ्ट होता है इसके रोल में कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन या तो कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ऑक्सीजन की इंक्रीज हो, उस दौरान होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे 33rd क्वेश्चन पे। अब काफी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया ये चीज। अब हमारे पास 33rd क्वेश्चन, देखो जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल है किसका, फॉस्फोराइलेशन का, एक टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सी भाई, क्रैब साइकिल, जो मैंने आपको समझाई थी पीछे, ठीक है, इज वो कौन सी है। तो देखो जो एक सबस्ट्रेट लेवल होता है फॉस्फोराइलेशन में, एक टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड में एज पर फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब उसमें क्या होता है, जो मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं सबस्ट्रेट लेवल और फॉस्फोराइलेशन का, वो कैसे होता है कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ADP के साथ मिलकर क्या बना लेता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट + ATP, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 1, एक ही जो है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, एक ही सबस्ट्रेट वहां पे बनता है, ठीक है। और जो फोस्फो इनोल पायरुवेट होता है ADP के साथ मिलके क्या बनाता है, पायरुवेट + ATP। और जो एसिटाइल फोस्फेट होता है वो ADP के साथ मिलके बनाता है एसिटेट + ATP। तो सेम मैकेनिज्म होता है अदर एल्कलोनिक एसिड्स के लिए भी, यानी कि कितना बनता है, एक ही बनता है ATP। तो देखो जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को मैं आपको समझा देती हूँ सबसे पहले कि ये चीज क्या होती है। मैंने आपको आंसर बता दिया, आंसर तो याद भी रख सकते हो आप, लेकिन मैं आपको ये चीज समझा दूं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ये होती है क्या, प्रोडक्शन ऑफ ATP और ADP। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ ATP, एक ही ATP की प्रोडक्शन होती है इस दौरान, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोसेस से एक टर्न में। तो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ATP
फ्रॉम किससे? एडीपी से, बाय अ डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ, किसके डायरेक्ट ट्रांसफर से? हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप के डायरेक्ट ट्रांसफर से एडीपी के एटीपी की प्रोडक्शन होना। किसके द्वारा? एक फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट मेटाबोलिक कंपाउंड के द्वारा, एक कैटाबोलिक पाथवे में बेसिकली, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसमें कि जो एटीपी है वो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके रिजल्ट पे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि किससे बनता है? फ्रॉम एनएडीएच या फिर एफएडीएच टू से, टू ऑक्सीजन बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि जो कि ऑक्सीजन में होता है, ये मेजर सोर्स ऑफ एटीपी होता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म में। तो ये होता है भाई सब्स्टिट्यूट फॉस्फोरिलेशन, बेसिकली समझ सकते हो कि एटीपी की प्रोडक्शन फ्रॉम एडीपी। अगर बिल्कुल ब्रीफ में समझना है तो एटीपी की प्रोडक्शन होना एडीपी से, वो होता है सब्स्टिट्यूट फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 34th क्वेश्चन की, वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीसी लोकेटेड इन प्लांट्स। तो जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है बेसिकली, वो प्लांट्स में कहाँ पे होती है, किस में लोकेटेड होती है? तो भाई साहब इसका तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लोकेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो कि सर्व करता है एज अ साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। किसके द्वारा? एक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है काफी बड़ा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ, मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास जो डायग्राम है वो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो क्या होती है? रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन निकले जिसमें से, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडोक्स रिएक्शन की जो कि क्या करती हैं, दैट ट्रांसफर्स, ट्रांसफर करती हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन, एक इलेक्ट्रॉन डोनर से, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैंने क्या बताया, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? रिडोक्स रिएक्शन होती है जो कि ट्रांसफर करती हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कपल्ड, जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कपल्ड होता है, मतलब एक साथ होता है, टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस एक पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ मेम्ब्रेन, प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटोन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये और कहां पे मिलता है? जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में, ठीक है। जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन होती है भाई क्लोरोप्लास्ट में, हम देखो थायलेकोइड मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे जो होती है ना, थायलेकोइड मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी पॉजिटिव इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनएडी पॉजिटिव का क्या रोल होता है वो बताना है भाई। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे ये काम करता है। मैंने पीछे भी एक पीवीआईक्यू में बताया था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनएडी पॉजिटिव जो है एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रोंग। रोंग स्टेटमेंट बतानी है किसके कंटेक्स्ट में? क्रैब्स साइकिल के कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पे रोंग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी? तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, जो क्रैब्स साइकिल होती है वो किससे शुरू होती है? बिगेंस विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, विद ऑक्सैलो एसिटिक जो कि क्या है 4 कार्बन आएगा यहाँ पे, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसके बारे में, विद पायरुविक नहीं आएगा यहाँ पे। आप जानते हो मैंने आपको जब क्रैब साइकिल लिखवाई थी तो क्या लिखवाया था, ये एसिटाइल कोएंजाइम ये था और ऑक्सैलो एसिटिक हमारे पास क्या है
एसिड होता है जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. 2 फॉर्म सिट्रिक एसिड, कितना कार्बन मॉलिक्यूल का, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का. तो क्रैब साइकिल के बारे में जो मैंने आपको लिखवाई भी थी कि भाई 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए था और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था 4 कार्बन का, जिससे हमारे पास क्या बना था, सिट्रिक एसिड, यानी कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल. ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ. जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, यानी कि जो क्रैब्स साइकिल होती है, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है, किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है, प्राइमली मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, कंसंट्रेशन किसकी, एटीपी की और एनएडीएच की. ठीक है, तो जो की कंट्रोल पॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, आर द एंजाइम्स. वो कौन सा एंजाइम्स होंगे, ये एंजाइम्स लिख रही हूं मैं यहाँ पे, एंजाइम्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेसिस एंड अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस. ठीक है, ये होंगे. तो जो ये अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, ये इनिबेट कर देता है, इनिबेट हो जाता है किसके द्वारा, बाय स्यूसिनाइल कोएंजाइम ए और एनएडीएच. ठीक है, इसके द्वारा. तो 10 जो प्रोडक्ट होंगे रिएक्शन के वो क्या होंगे, दैट इट कैटेलाइज, जो वो प्रोडक्ट भी वही हमारे पास आते हैं जो इनके द्वारा क्या हो जाए, कैटेलाइज हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 क्वेश्चन थे चैप्टर के, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.